हेलो किड्स, वेलकम टू खालसा लिटिल फ्लावर स्कूल। सो किड्स, जैसा कि आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 13 मिर्च का मजा। ओके, आज हम आपको पढ़ाऊंगी मिर्च का मजा। अब देखते हैं कि मिर्च तो है, मिर्च हम सबको पता है जैसा कि पिक्चर में दिखाई दे रहा है, राइट। लेकिन इसका किस तरह का मजा है? मिर्च खाने से थोड़ी ना मजा आता है, तो मुँह तीखा हो जाता है ना। लेकिन यहाँ पर कुछ स्टोरी में एक्स्ट्रा है, राइट। तो वो तो हमें पढ़ने से ही पता चलेगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। टेक आउट योर टेक्स्ट बुक एंड स्टार्ट रीडिंग विथ मी। पहले मैं पढ़ूंगी और आपको ध्यान से सुनना है, उसके बाद आपको खुद से स्टोरी पढ़ करके फिर से समझना है। ओके, सो गेट रेडी। एक काबुली वाले की कहते हैं, एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी। किसकी कहानी कहने जा रहे हैं? मैं काबुली वाले की। लाल मिर्च को देख गया भर उसके मुंह में पानी। जो काबुली वाला था उसने लाल मिर्च को देखा और उसके मुंह में क्या भर गया? पानी। सोचा क्या अच्छे दाने हैं, खाने से बल होगा। क्या अच्छे दाने हैं, खाने से बल होगा, या जरूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा। वो क्या इमेजिन कर रहा है कि ये मिर्च के दाने कितने अच्छे हैं, जरूर इसको खाने से बहुत ताकत आएगी और ये कोई मौसम का बहुत मीठा फल होगा, ऐसा उसने इमेजिन किया, सोचा। एक चवन्नी फेंक और झोली अपनी फैलाकर कुंजड़ी से बोला बेचारा ज्यों त्यों कुछ समझा कर। उसने एक चवन्नी डाली और कुंजड़ी मतलब जो सब्जी वगैरह बेचती है उसके पास बोला। बेचारा बहुत समझाया क्योंकि वो अलग तरह का था, उसकी लैंग्वेज भी अलग थी। उसने कुंजड़ी को समझाया, लाल लाल पतली छीमी हो चीज अगर खाने की, तो हमको दो तौल छिमियाँ फक्त चार आने की। इट मीन्स कि चार आने मतलब उस समय का जो पैसा था, चार आने जो पैसा है उसमें लाल लाल यानी लाल मिर्च का कलर बता रहा है, उसका डेफिनेशन दे रहा है। लाल लाल पतली छीमी, कैसी है पतली छीमी, अगर खाने की है तो हमको भी तौल दो छिमियाँ फक्त चार आने की। तो हाँ, यह तो सब खाते हैं, कुंजड़ी ने कहा कि यह तो सब खाते हैं। कुंजड़ी झट से बोली और शेर भर लाल मिर्च से भर दी उसकी झोली। अब चार आने पैसे में उसकी झोली पूरी भर दी, यानी बहुत सारा आ गया। मगन हुआ काबुली फली का सौदा सस्ता पाके। काबुली जो था वो बहुत खुश हो गया, लगा चबाने मिर्च बैठकर नदी किनारे जाके। फिर अब आप देख सकते हैं पिक्चर में कि जो काबुली वाला पर्सन है वो मिर्च खरीद रहा है और जो कुंजड़ी है दादी अम्मा वो मिर्च उसको दे रही है, ठीक है। अब वो कहाँ जा करके खा रहा है? नदी के किनारे बैठ करके। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर में देखो क्या सिचुएशन है। वो तो अच्छा हुआ कि ये नदी के किनारे बैठा हुआ है, अब उसका फेस देखो कैसे दिखाई दे रहा है। चलिए अब देखते हैं। मगर मिर्च ने तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया। फाइनली किड्स, अगर हम मिर्च खाएंगे तो क्या हालत होगी हम सबकी, हम सबको पता है। मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया, मुंह में जलन होने लगी और आंखों से पानी बहने लगा। पर काबुल का मर्द लाल छीमी से क्यों मुख मोड़े, खर्च हुआ जिस पर उसको क्यों बिना सधाए छोड़े। यानी वो बेचारा मजबूरी में खा रहा है क्योंकि उसने उसके पीछे पैसे डाले चार आने, अब पैसे डाल करके खरीदा है तो खाना तो पड़ेगा। आंख पोछते दांत पीसते रोते और रिसियाते, वह खाता ही रहा मिर्च की छीमी को सिसियाते। बेचारा किसी भी हालत में अपनी आंखों को पोछते हुए दांत को ऐसे साउंड निकालते हुए रोते और रिसियाते हुए वह खाता रहा मिर्च की छीमी को, ठीक है, सिसक सिसक कर। क्योंकि मिर्च खाना बहुत बड़ी बात है, सबके बस की बात थोड़ी, कोई मिर्च ऐसे एक अकेले मिर्च को हम थोड़ी ना खा सकते हैं, इसको रोटी के साथ सब्जी के साथ दाल राइस के साथ भले खा सकते हैं, राइट। इतने में आ गया उधर से कोई एक सिपाही, बोला बेवकूफ क्या खाकर यों कर रहा तबाही। कहा काबुली ने मैं हूँ आदमी ना ऐसा वैसा, जा तू अपनी राह सिपाही, मैं खाता हूँ पैसा। फिर काबुली ने क्या कहा? मैं कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ सिपाही, तू मुझे मेरा समय बर्बाद मत कर, तू जा अपने रास्ते, मैं अपना पैसा खा रहा हूँ। यानी उसने उस पैसे में उसे खरीदा था ना, अगर उसे फेंक देता तो उसका पैसा बर्बाद हो जाता, तो पैसा खर्च करने की वजह से उस मिर्च को सहन करके खाते चले जा रहा है।
तो फाइनली बच्चों के पैसे को ऐसी जगह लगाओ कि जो पहले आपको उस चीज़ की कीमत पता हो, आपको पता हो कि इसको खाने से क्या होगा, कैसे खाया जाता है, किसके साथ खाया जाता है, कैसे बनाते हैं। जब आपको ये सारी चीज़ें पता नहीं है तो आपको ऐसी चीज़ खरीदने का कोई मतलब नहीं है। और ऐसी बेवकूफ़ी किसने की? काबुली वाले ने, राइट। तो ये स्टोरी कैसी लगी आप सबको? अच्छी ना। और इस स्टोरी के राइटर कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। सो किड्स, आपको ये स्टोरी खुद से एक से दो बार पढ़ना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो गो थ्रू द वीडियो अगेन एंड अगेन, ओके। अगर आप वीडियो देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे तो आपको मिर्च का मज़ा अच्छे से और समझ में आएगा। सो किड्स, आई होप यू अंडरस्टूड दिस स्टोरी वेरी वेल। सो टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।